रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग जो डिस्कशंस जिस क्लास के बारे में कर रहे थे, लास्ट क्लास में जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज ज़्यादा कुछ नहीं किया था, जस्ट आपको ओवरव्यू बताया गया था कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, बेसिकली सेक्शन 10 रिलेटेड मैटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे इनकम के बारे में डिस्कशंस किया था जो इनकम मतलब जो इनकम तो होता है पर उसको टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता, दैट मीन्स उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें डिडक्शंस या एग्जेम्पशन मिल जाता है जो डू नॉट फॉर्म टोटल इनकम होता है, इसमें हम लोगों ने एक पूरा लिस्ट पूरा एक ओवरव्यू लिस्ट देखे थे और उसमें हम लोग काफ़ी चर्चा भी किए थे कि कौन सा इनकम ऐसा है जिसपे टैक्स चार्ज नहीं होता, टोटल इनकम पे इनकम काउंट नहीं होता। तो क्योंकि वो इनकम काउंट नहीं होता तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं होता। तो ऐसा ही बहुत सारा इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा वास्ट एरिया है यहाँ पर। एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के और भी काफ़ी सारा इनकम जो है जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया था, जैसे कि अगर आपको याद है तो आप याद कर सकते हो, लाइक एक होल चार्ट था जिसमें कुछ फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम था और कुछ पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम था। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम एंड ऑल्सो देयर इज अ पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम, तो सारा का सारा मैटर पे हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था, लेकिन किसी भी टॉपिक में हम लोगों ने डिटेल्स डिस्कशंस नहीं किया था। तो आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे डिटेल्स डिस्कशंस करने का और आज मेन फोकस करेंगे थोड़ा एग्रीकल्चर इनकम पे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आज का समझने का टॉपिक। तो चलो मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूँ और मैटर को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आई थिंक आप सबको स्क्रीन तो शो हो रहा होगा। तो देखो आप अगर किसी को मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर करना भूल गया तो आप लोग मुझे एक बार आज याद करा देना, मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये था एक टोटल लिस्ट जिसपे हम लोगों ने देखा था कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में फुल्ली एग्जेम्प्टेड एज वेल एज पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम किस तरह से एक ओवरव्यू लेके रखा था, जिसमें अगर हमें बातें करना चाहिए था तो उसमें एक पॉइंट है। देखो एक है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, एक है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड अनदर इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। ये जो एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस, ये दोनों वर्ड काफी सिमिलर पैरामीटर में यूज तो होता है बट फिर भी दोनों में एक थिन लाइन है। एग्जेम्प्टेड मतलब जो छूट दिया जा रहा है आपको। करेंटली अगर आपको कोई इनकम पहले टैक्सेबल होता था तो उसको गवर्नमेंट ने क्या करता है कि चलो इसको एग्जेम्प्टेड कर देते हैं ताकि टैक्स पेयर को थोड़ा सुविधा मिल जाए। और डिडक्शंस जो होता है ना वो टोटल इनकम कैलकुलेशंस में आ जाता है बट डिडक्शंस लास्ट में जाके बाद होता है। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस का जो खेल है इसमें मैं आपको एक कंप्लीट सम्स कराने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, जब हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सपोज एक टोटल इनकम कैलकुलेशन हो रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम BP, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, HP मीन्स हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके, इनकम फ्रॉम IFOs। तो इस तरह से अलग अलग हेड से हम इनकम करे जा रहे हैं। सपोज कोई इनकम ऐसा था जैसे कि मानो एक अदर सोर्स इनकम है डिविडेंड फ्रॉम, ये भी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ऐसे बहुत सारा है ना, लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के हिसाब से एग्जेम्प्टेड है, ओके। तो ये जो इनकम है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है तो ये टोटल इनकम पे काउंट नहीं होगा, ओके। ये टोटल इनकम कैलकुलेशन करने पर नहीं आएगा बिकॉज दिस इनकम इज एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्प्शन का मतलब ये हो जाता है। तो ये था एग्जेम्प्शन। लेकिन सर डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्शन मतलब जो डिडक्शन होता है ना, जो इनकम में डिडक्शन जो होता है
डिडक्शन और एग्जेम्पशन में फर्क बस इतना है, एग्जेम्पशन जब हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसमें ही नहीं आता है, उसमें नहीं आता है जो मतलब एग्जेम्पशन होता है उसको पहले ही वहां से अलग कर दिया जाता है। लेकिन डिडक्शन जो होता है, डिडक्शन में क्या होता है, चैप्टर 6 से बताता है डिडक्शन के बारे में, चैप्टर 6 ए बताता है डिडक्शन के बारे में, ये क्या करता है, जस्ट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए, डिडक्शन करने के टाइम पे हम लोग पहले इस इनकम को जोड़ लेते हैं, पहले जो भी इनकम होगा हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, टोटल इनकम पे वो आ जाता है जो भी इनकम जोड़ना है, अगर जरूरी नहीं कि हमेशा जोड़ दे, ठीक है, कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं जो पहले हम लोग जोड़ते हैं बाद में लेस करते हैं, कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं कि पहले कुछ मतलब उसको एडिशन नहीं किया जाता, लेकिन एंड में जाके मतलब पहले जब हम लोग पूरा क्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो डिडक्शन GTI जो भी आपका होता है, GTI के बाद डिडक्शन होते हैं 80C से लेके 80U तक में, ठीक है, ये सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो GTI जो भी आपका होगा टोटल इनकम, क्रॉस टोटल इनकम, फिर वहां से आप डिडक्शन कर सकते हैं। तो चलो ये डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन को आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल गया, बाकी जितना हम लोग टैक्स में आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लैरिटी आता जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार वो लिस्ट को देख ठीक से देखिए, ये जो एग्जेम्पशंस का जो अलग अलग डिस्कशंस है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास का जो ओवरऑल एक आपका पूरा एक स्ट्रक्चर था, एक पूरा माइंड मैप था, उस माइंड मैप से हम कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर हम लोगों ने बाइफर्केट करके देखेंगे, कि हम लोगों ने काफ़ी सारा, अगर आप लोगों ने थोड़ा घर में रिविजन किया था तो आपको जरूर कनेक्शन हो जाएगा कि लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन बी डिस्कस्ड इन रेस्पेक्टिव चैप्टर, मतलब हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा एग्जेम्पशन था जिसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन उसका एक्चुअल डिस्कशन मैंने उस वहाँ पर भी कहा था कि ये तो सैलरी का पार्ट है, जब हम लोग सैलरी करेंगे तब बात करेंगे। तो ऐसा काफी सारा है, लाइक लीव ट्रैवल कंसेशन, अलाउंस, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, लीव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसीप्ट, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी पार्ट्स, पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेमेंट फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट टू मीट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस, स्पेशल अलाउंस एंड परक्विजिट्स टू चेयरमैन और रिटायर्ड चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ रिटायर्ड मेंबर ऑफ UPSC। ये जो सारा का सारा मैंने यहाँ पर आपके सामने लिस्ट को पढ़ा, ठीक है, ये जो लिस्ट को मैंने यहाँ पर आपके सामने रीड किया, बेसिकली ये सैलरी का एग्जेम्पशन है। These are exemption point in the salary chapter. Okay, ये salary chapter के अंदर chapter 4 में आप लोग पढ़ोगे कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप इतना जानो कि ये chapter salary में होगा, ठीक है। कुछ point ऐसा भी हम लोगों ने यहाँ पर discussions किया था जो capital gain का ही part है, तो हम लोग जब capital gain chapter discussions details में करेंगे तब उसके बारे में बातें होगा। सर जब होगा तब होगा तो अब क्यों बता रहे हैं? सर अब इसलिए बता रहे हैं, आपको भी तो पहले पता चल जाए, आपको पहले इतना तो पता हो ही जाना चाहिए कि कौन सा इनकम के बारे में कहाँ डिस्कशंस होते हैं, कौन से एग्जेम्पशंस के बारे में कहाँ डिस्कशंस होते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूँ? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात कनेक्ट हो पा रहा है? Yes, sir. विशाल? Yes, sir. Okay. मतलब मैं बेसिकली जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का मैं कंटिन्यूशन करा रहा हूँ, कि मैं आपको बाइफर्केट कर रहा हूँ कि आप एक बार देख लो कि ये सब जो पॉइंट्स है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आज भी मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको बस इतना कनेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा इनकम है जो एग्जेम्पशंस है और वो कौन सा चैप्टर का पार्ट होता है। जो सैलरी का पार्ट है उसका सैलरी के लिस्ट में डाला गया, जो कैपिटल गेन का पार्ट है लाइक कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट स्कीम, यूनिट स्कीम मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातें कर रहे हैं, बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ये भी इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बताया था।
ये भी कैपिटल गेन में होता है. कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स. ये पॉइंट में आज थोड़ा मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन. इनकम रिसीव्ड इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है, ये भी कैपिटल गेन चैप्टर में डिस्कशन डिटेल्स में होना चाहिए. एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज सेक्शन, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है. इंटरेस्ट इनकम राइजिंग टू सर्टेन परसेंट, इंटरेस्ट इनकम आपका अदर सोर्स का पार्ट होता है. फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो चिल्ड्रेन नॉमिनेटेड हियर्स आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स डिविडेंड रेफर्ड टू सेक्शन 115 ओ के बारे में भी जो बताया गया वो भी अदर सोर्स पार्ट में डिस्कशन होगा. इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, दैट इज ये क्लबिंग के बारे में बातें हो रहा था. क्लबिंग में एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर इनकम इंक्लूड्स इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, मतलब जब बच्चे लोगों का इनकम अपने माँ बाप के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है तब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं. कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो डिडक्शंस होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो डिडक्शंस होते हैं. डिडक्शंस फ्रॉम कहाँ से, जीटीआई से. जैसे मैंने आपको अभी बात कर रहा था कि जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम एक्चुअली ये टोटल इनकम कैलकुलेट करने का पार्ट है. एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेशन. ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये टोटल इनकम कैलकुलेशन के बाद होता है. लाइक रिसीव फ्रॉम LIC, पेमेंट फ्रॉम NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम टू एन SEC टू क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट, पेमेंट फ्रॉम NPS ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय ऑफ पार्शियल विदड्रॉल. ये जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ ये GTI में होगा, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम करने के बाद आपको डिडक्शंस का मौका मिलेगा, जो सेक्शन 80C से लेके 82E में बताया गया. कोई बात नहीं सर, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा पॉइंट याद रखना तो नामुमकिन है, आपको ऐसा फीलिंग हो सकता है. सर ऐसा फीलिंग एकदम बिल्कुल मत लाओ. अगर आप लोग एक एक चीज धीरे धीरे सीखोगे और जैसे जैसे हम लोग ये कंप्लीट सम्स में प्रैक्टिकली करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है. चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं. हम लोग क्या काम करेंगे, एक नहीं हमें हजारों काम करना चाहिए, लेकिन करेंटली कुछ पॉइंट्स में हमें बात कर लेना चाहिए आप लोगों से. चलो आज सेक्शन 10 में बात कर लेते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे. ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है. इस पर्टिकुलर इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का, जिसपे हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम पे डिस्कशन कर लेते हैं. बहुत वाइटल है, फटाफट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट आप लोगों को मैं. चलो मेरे साथ साथ कॉपी ओपन करो, कॉपी ओपन करो आप लोग. क्या आप लोगों ने कॉपी ओपन किया? हेलो सर, कॉपी निकाल लिए क्या? यस सर. लिखना है आप लोगों को तो फटाफट मेरे साथ साथ लिख लो सर, मेरे साथ चलो. नोट स्टार्ट करो, हेडिंग करो एग्रीकल्चर इनकम, इसी चैप्टर का पार्ट है सर. इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म ऑफ टोटल इनकम का ही पार्ट है. इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसी के अंदर आता है. हेडिंग कर दो. एग्रीकल्चरल इनकम. लिखो एग्रीकल्चर इनकम पे. कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स है. As per section 10, subsection 1, agriculture is exempt, okay? Agriculture is exempt if
agriculture is situated in India. As per section 10, subsection 1, agriculture is exempt if agriculture is situated in India. क्या आप लोगों ने इतना लिख लिया? तो आगे लिखो सर. As per common rule, if an income is exempt such income is not formed part of total income. As per section 10 subsection 1, agriculture is exempt if agriculture is situated in India. As per common rule, if an income is exempt, such income is not formed part of total income as part of GTI. GTI means, you all know, gross total income. Okay, gross total. क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो सर, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. नेक्स्ट, जीटीआई के फुल फॉर्म लिखने के बाद फुल स्टॉप देके लिखो. In some cases, लिख लो सर मेरे साथ साथ लिख लो, बहुत ही वाइटल पॉइंट्स है. एक बार पढ़ो आगे, ताकि जाके आगे जाके और पढ़ने का जरूरत ना पड़े. मैं समझा दूंगा. इन सम केसेस और सम सिचुएशन इन सम केसेस और सम सिचुएशंस एग्री इनकम is taken into consideration for the computation of tax liability, for the computation of tax liability, which is popularly known as rule of partial rule of partial integration, popularly known as rule of partial integration. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है सर, define rule of partial integration. और इसका practical use भी बहुत जोर का है, तो आपको पता होना चाहिए rule of partial integration क्या है. तो मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा ये rule of partial integration किस तरह से काम करता है.
इफ द फॉलोइंग कंडीशन, चलिए थर्ड पॉइंट नहीं इसी के साथ चल रहा है, थर्ड पॉइंट नहीं मतलब पूरा का पूरा एक ही साथ है सब, ठीक है, मतलब इसी के अंदर चल रहा है, मतलब पूरा रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एक ही पॉइंट में चल रहा है। अभी मैंने पॉइंट चेंज अभी तक मैंने नहीं किया, ठीक है, अभी मैं पॉइंट चेंज करूंगा इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, आप इतना तक पहले लिख लो, इसके बाद जाके आप पैरा चेंज करना और फिर पॉइंट को अलग करना। ये जो फॉलोइंग कंडीशन जो मैंने बताया यहाँ पर, ये फॉलोइंग कंडीशन में आपको नीचे बताने वाला, फॉलोइंग कंडीशन में आपको नीचे बताने वाला, एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल कॉमा एचयूएफ कॉमा एओपी कॉमा वीओआई और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी, ब्रैकेट में प्लीज लिख लेना, प्लीज लिख लेना, दिस this rule is not applicable for company and firm, this rule is not applicable for company and firm। मुझे प्लीज बताना ज्योति मौसमी प्रीति रोशनी, क्या आप सबको ने कोई लिख लिया, क्या आप लोगों ने पॉइंट ए तक लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पेज, नाउ पॉइंट बी मैं समझाता हूँ सर, डोंट वरी, पहले लिख लो नेट इनकम, नेट है एनीटी नेट, नेट इनकम मस्ट एक्सीड, मतलब क्रॉस कर जाए, मस्ट एक्सीड दी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट इज क्या आप लोग मुझे बता सकते हो करेंटली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इनकम टैक्स में क्या चल रहा है? फाइव लैख नया बजट में जो आया, नया वाला बजट में जो आया, नया वाला बजट में जो आया है वो तो एक, वो तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो ऑप्शनल है, वो तुम लोगों के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी तक, नहीं तो ढाई लाख की, ठीक है, तो आप तो ढाई लाख की अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है, तो वो एक्चुअली ये रूल भी है, न्यू जो बजट आया है ना, न्यू बजट में पुराना जो 2,50,000 का रूल्स था वो वाला रूल्स है और न्यू 5,00,000 का एक नया अलग से रूल्स आया है सर, मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि वो न्यू रूल और इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन आपको
फिलहाल अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो भी याद रखना है आप इसी को याद रखें, ठीक है। और वो जो एक जो न्यू रूल के बारे में शिवम बात कर रहा था उसमें मैं फिर कभी चर्चा करता हूँ कि एक एक्स्ट्रा नियम लाया है गवर्नमेंट ने कि ऑप्शनल है वो, कि कोई चाहे तो अभी दोनों एरिया से इनकम टैक्स पेमेंट कर सकता है। जो न्यू रूल जो 5 लाख का बोल रहा है ना शिवम, उसमें अगर कोई जाता है ना तो उसमें वो डिडक्शन एग्जम्पशन बहुत कम है, लेकिन अगर कोई ऐसा में इसमें जाते हैं थोड़ा डिडक्शन एग्जम्पशन ज़्यादा है, तो वो देख लेना चाहिए कि जिसको जिस पे फ़ायदा है वो उस हिसाब से अपना रिटर्न फाइलिंग या टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। तो जो भी हो, नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज 2,50,000। इसमें मैं तीन हिस्सा बनाऊंगा, एक 2,50,000 का, एक 3 लाख का एंड अनदर इज 5 लाख का। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि जैसे कि नॉर्मल जो टैक्स का रूल है कि अप टू 2,50,000 एट द रेट ऑफ नील टैक्स है, ग्रेटर देन 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5% रेट है, ग्रेटर देन 5 लाख 2-10 लाख एट द रेट ऑफ 20% का रूल है, एंड ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30% का रूल है। ये जो रूल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने बताया ये अप टू 2,50,000 ये बेसिक लिमिट है, यही ये जो मैंने आपको अभी बताया ये लेस देन 60 इयर्स के लिए है, लेस देन 60 इयर्स। अगर ग्रेटर देन 60 इयर्स का मैं बात करूँ तो ग्रेटर देन 60 इयर्स के लिए रूल में थोड़ा चेंजेस है, उसमें अप टू 2,50,000 के जगह अप टू 3 लाख तक नील है, आफ्टर दैट ग्रेटर देन 3 लाख 2-5 लाख एट द रेट ऑफ 5% का रेट बताया जाता है, ग्रेटर देन 5 लाख 2-10 लाख एट द रेट ऑफ 20% का रेट बताया जाता है, टैक्स रेट बताया जाता है, एंड ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30% का रूल बताया जाता है। एक ग्रेटर देन 60 के लिए है। और एक रूल आता है, अनदर रूल इज देयर, अनदर रूल इज देयर कि अगर आप ग्रेटर देन 80 इयर्स हो तो उसके केस में बेसिक लिमिट जो है अप टू 5 लाख हो जाता है। ये सर मैंने इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में बताया था, ठीक है। तो अप टू 5 लाख एट द रेट ऑफ नील है, फिर 5 लाख से 10 लाख तक इसके केस में ना ये 5% का कोई स्लैब नहीं है, 5 लाख से 10 लाख एट द रेट ऑफ 20% एंड ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। ये रूल नॉर्मली 80 साल के ऊपर वाले के केस में है, इनके लिए 5% वाला स्लैब नहीं दिया, बट इनको स्टार्टिंग में ही एग्जम्पशन 5 लाख का दे दिया है ना। तो यहाँ पर मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, ऋषभ बुझते बच्चे, ऋषभ प्रीतम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का यही मतलब होता है। जब भी आपको मैंने पहला रूल जो बताया कि नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि सेकेंड रूल जो है नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है। तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग आपका चला जाना चाहिए, ऑटो दिमाग काम करेगा कि ये तो यहाँ पर ये रूल ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 60 इयर्स के लिए है, ये ग्रेटर देन 60 के लिए है, और ये ग्रेटर देन 80 इयर्स के लिए है। ये है बेसिक एग्जम्पशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर सी। नाउ पॉइंट नंबर सी क्या है? The agriculture income must exceed ₹5,000. The agricultural income must exceed ₹5,000 if
above three conditions satisfied. Tax liability will be calculated as follows. Tax liability will be calculated as follows. इसमें आपको पहला बात क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में आप स्टेप वन के बारे में बताओ. एक बार मैं आपको पूरा लिखा दूं, फिर जाके मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूं, डोंट वरी. हाँ, ये भी हो सकता है किसी किसी को लग रहा है कि क्या चल रहा है. तो आप पहले लिखो स्टेप वन. स्टेप वन में आप पहले लिखना एट एग्री इनकम, एट एग्री इनकम विथ नेट इनकम. Add agree income with net income. Step 2. लिख लिया ना, add agree income with net income. ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, डोंट वरी. Step 2 में लिखना प्लीज, calculate calculate tax liability for step 1. Calculate tax liability for step 1. Calculate tax liability for step 1. This is the step 2. And step 3. Step 3 mein aap likhna. And एग्री इनकम, एग्री मतलब सर एग्रीकल्चर, मैं शॉर्ट यूज कर रहा हूँ. एड एग्री इनकम विथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. एड एग्री इनकम विथ बेसिक एग्जेम्पशन. अगर आप लोग यहां तक लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा. एड एग्री इनकम विद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया प्लीज मुझे एक बार बता देना. हाँ सर. यस सर. Step 4 में आप लोग क्या लिखोगे, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 3 फॉर Step 3 and step 5.
माइनस स्टेप इज कंप्लीट, स्टेप जो भी मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। डोंट वरी सम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको मजा भी आएगा और ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, चलो पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ तक सबको ही लिख लिया ना, स्टेप फाइव तक। मिस्टर एक्स गिव्स दी following information, this लिखना ठीक से, Mr. X gives the following information, for the previous year 18-19, previous year 18-19, income under the head house property income under the house property only Sri Lanka. Next is income under the head business and profession only 150,000. Income under the head capital gain bracket mein likh dena STCG, okay? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 50,000. इनकम अंडर द हेड LT111A, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म 111A, long term 111A is a session in capital gain, okay? Income under the head LT111A आपको याद रखना चाहिए, ये capital gain का एक section है, ठीक है, capital gain का part है। तो अगर आपको section पता नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है। इसके बारे में मैंने introductory class में बताया था, 111A के बारे में थोड़ा सा ओवर भी बताया था, details को मैं capital gain में आपको फिर से बताऊंगा, बट यहाँ सर income है सर 2,00,000, okay? तो ये हो गया आपका 3,000, ये हो गया आपका 2,00,000, ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अभी भी कहानी बाकी है सर, कहानी अभी भी बाकी है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स income under the head other sources 30,000, bracket में लिख दो bank interest, dividend from foreign company 40,000,
नाउ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी इफ मिस्टर एक्स हैज एग्री इनकम of rupees 1,70,000. This is the question. क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? Yes sir. अगर क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया तो इतना देर से मैंने आपको जो भी लिखा है मुझे उसको थोड़ा सा आपको समझाना है, ठीक है? पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा, फिर जाके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है? पहले मैं सिखा देता हूँ, फिर बाद में आप लोग ट्राई करना, पहले आप लोग सीख लो, फिर मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, आपको उससे ट्राई करना था, लेकिन फिलहाल आप सीखने पर ज़्यादा ध्यान दो, ओके? तो मैं आपको यहाँ पर जो भी लिखाया मैं पहले आपको बताता हूँ, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जब भी बातें होंगे तो अच्छा मैंने क्या आप लोगों को ये लिखा है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट इफ एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन इंडिया, ये वाला बात मैंने आप लोगों को बताया? हेलो, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट इफ एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन इंडिया, है सर? इतना बोला जी फास्ट, यस सर, ओके। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड होता है, ये बात तो आप गांठ बांध लो, ठीक है? ये बात आप लोग गांठ बांध लो, मतलब एकदम दिल पे रख लो। इफ एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर एग्रीकल्चर इंडिया में सिचुएटेड है तो एग्रीकल्चर एंड इनकम जो भी होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। सर अगर फॉरेन में होगा तो वही तो बात है ना सर, अगर फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है? तभी तो इतना बड़ा बड़ा करके बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है? तो एज पर कॉमन रूल इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट, अगर एक इनकम एग्जेम्प्टेड है सच इनकम इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीपी, मतलब अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड बताया जा रहा है एज पर इनकम टैक्स रूल, तो अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है तो आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस पे पानी डालो, थोड़ा कॉमन सेंस पे पानी डालो तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन सेंस में पानी डालने से समझ में ये आ जाएगा कि ये तो इनकम अगर एग्जेम्प्टेड है तो वो इनकम ग्रॉस टोटल इनकम पे टोटल कभी नहीं होगा। इन सम केसेस और सम सिचुएशंस कभी कभी ऐसा होता है एग्रीकल्चर इनकम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडरेशन में लिया जाता है और उस सिचुएशन के लिए जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन होता है उसको कहा जाता है रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब नॉर्मली डिग्री इनकम एग्जेम्प्टेड होता है पर नॉर्मली तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होता है पर कभी कभी ये पार्शियल इंटीग्रेशन यूज करके, ये देखो सर मैंने दिखाया था आपको, पर कभी कभी ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम का पार्ट माना जा सकता है, टोटल इनकम को एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम का पार्ट ट्रीटेड किया जा सकता है। और उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के थ्रू से उसको समझते हैं, मतलब किस तरह से रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट बताता है एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, दैट मींस जो टोटल 8 पर्सन होते हैं, मैं यहाँ पर उसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये एचयूएफ इंडिविजुअल एओपी बीओआई एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन
लोकल अथॉरिटी सब पे एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनी एंड फार्म. तो पार्टनरशिप फार्म पे या कंपनी लेवल पे ये मैटर एप्लीकेबल नहीं होता है. तो एग्रीकल्चर इनकम पे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का मैटर है, ये कंपनी फार्म के लिए लागू नहीं होता है. इसीलिए आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए पर्सन कौन है. एंड जो मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बता दिया कि पर्सन कौन होते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था. ओके सर, ये तो समझ में आया. ठीक है सर, समझ में तो आ जाता है. पॉइंट बी, नेट इनकम. आपका नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. अगर आपका नेट इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता, 3 लाख मतलब अगर आपका एज 60 ईयर से कम है तो उसके केस में 2.5 लाख, अगर आपका एज 60 से ज़्यादा है तो 3 लाख, अगर आपका एज 80 से ज़्यादा है तो 5 लाख आपका इनकम क्रॉस करेगा, तभी जाके आपके रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा. पॉइंट सी क्या बताता है, द एग्रीकल्चर इनकम मस्ट एक्सीड ₹5,000. आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, एग्रीकल्चरल इनकम जो होगा ये 5,000 क्रॉस करना जरूरी है. If above three conditions satisfied, tax liability will be calculated as follows. मतलब ये तीनों conditions में एक हो गया आपका 5,000, एक हो गया basic exemption limit, and पहला वाला क्या था कि आपको individual, HUF, AOP, BOI में से कुछ होना पड़ेगा. ठीक है, आपको individual, AOP, BOI में से कुछ होना पड़ेगा. अगर आप company हो, firm हो, तो आपके लिए rule of partial integration का concept applicable नहीं होगा. आपको बात समझ में आया यहाँ तक का मैंने जो बताया आपको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट. हेलो, हेलो प्लीज मुझे बताना. यस ओके, अगर यहाँ पर बात आपको समझ में आया. ज्योति समझ में आया? ज्योति तो देखो ये कुछ स्टेप के थ्रू से हम इसको सॉल्व करते हैं. जैसे सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप यूज करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं हमारा जो भी एग्री इनकम होगा हमें उसको अपने नेट इनकम के साथ ऐड कर देना चाहिए. फिर स्टेप टू में हमें जो नेट इनकम आएगा ना, एग्री इनकम और नेट इनकम को ऐड करके हमें जो मिलता है, एग्री इनकम और नेट इनकम को ऐड करके हमें जो मिलेगा स्टेप टू में, हमें उसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना चाहिए, जो हम लोग करना जानते हैं कैसे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होता है. एंड स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, एग्री इनकम को फिर से ऐड करेंगे, बट इस बार नेट इनकम के साथ नहीं, इस बार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ ऐड करेंगे. ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ ऐड करेंगे. तो इस तरह से स्टेप थ्री तक हम लोगों ने सीख लिया. आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग स्टेप फोर में कैलकुलेट करते हैं फिर से टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्टेप थ्री, एंड स्टेप फाइव में स्टेप टू और स्टेप फोर के जो डिफरेंस आता है वो देखते हैं, तब जाके हमें एक्चुअल में रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन समझ में आता है. पर नाउ अभी हमें क्या बातें करना है, ये जो सम्स मैंने आपको दिया वो सम्स को सॉल्व करना है. क्या आप लोग सम्स को एक बार देख लिए प्रॉपरली? तो चलो मुझे एक चीज़ हेल्प करके बताओ, तो आप लोग मुझे एक चीज़ में हेल्प करो, आप लोग मुझे नेट इनकम कैलकुलेट करके थोड़ा बता दो, मुझे थोड़ा नेट इनकम कैलकुलेट करके बता दो. ये जो मैंने आपको सम्स दिया, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल से आप लोग मुझे नेट इनकम कैलकुलेट करके थोड़ा बता दो. जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो मैं उनको एक चीज बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना चाहिए. जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आप लिखो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, ये लिखना जरूरी होता है एग्जाम टाइम पे. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो तो अलग बात, बट नॉर्मली जब भी आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ऐसा लिखना. इवन एक्चुअल में जो रियल लाइफ में होता है ना उसी तरह से होता है. स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर दी, आपको मैंने प्रीवियस ईयर 18-19 बताया,
तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए 1920 रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर 18, ये रहेगा आपका हेडिंग, दिस शुड बी योर हेडिंग। ऐसा हेडिंग देने के बाद फिर आप नीचे लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है 1,50,000 का। सर नेट इनकम कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है, आपका जो भी इनकम हो उसको ऐड करना चाहिए, लेकिन साथ में ध्यान भी देना चाहिए कोई इनकम अगर एग्जेम्प्टेड है या नहीं। इनकम टैक्स के बारे में मैं आपको रोज एक ही बात कहता हूँ, इनकम टैक्स ऐसे तो बहुत ईजी कैलकुलेशन है, बट इसके लिए आपको प्रोविजन एंड कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना चाहिए। इनकम फ्रॉम बीपी हो गया, इनकम फ्रॉम सीजी, इनकम फ्रॉम सीजी, सीजी मीन्स आप लोग जानते हो कैपिटल गेन का बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल गेन में आपको देखो पहले दिखाई देगा एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो पहले आप शॉर्ट टर्म को लिख लो। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में थोड़ा बताया था, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, इसका पता आपको होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये टैक्सेबल होता है, इसी यही सब तो जानकारी आपको चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं, इनकम टैक्स हो जाएगा। अच्छा मुझे एक दूसरा पॉइंट बताओ आप लोग, क्या लॉन्ग टर्म 111A, हेलो लॉन्ग टर्म 111A लॉन्ग टर्म 111A टैक्सेबल होते हैं, ये है आपका 2 लाख का, क्या ये टैक्सेबल है, नहीं सर, लॉन्ग टर्म 111A जो होता है ये एक्चुअल में एग्जेम्प्टेड होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। तो आपको क्या लिखना चाहिए, लेस एग्जेम्प्टेड, कैपिटल गेन चैप्टर का पार्ट है सर, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 लाख यहाँ से हटा देना चाहिए, तो 2 लाख से 2 लाख चला गया, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा नील। एग्जेम्प्टेड इनकम अगर कुछ है तो किस सेक्शन के कारण वो एग्जेम्प्टेड है वो आपको शो करना चाहिए, ठीक है, तो नहीं तो और कुछ नहीं, फिर मतलब ये प्रॉपर इसका स्टेटमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा और आपका आंसर से मार्क्स भी काटा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म 111A एग्जेम्प्टेड होते हैं एज पर लॉन्ग टर्म 111A के हिसाब से, अगर किसी का भी लॉन्ग टर्म इनकम है कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म 111A के हिसाब से वो एग्जेम्प्टेड होता है पूरा का पूरा, तो ये हो गया आपका एग्जेम्प्शन, दैट्स व्हाई नील हो गया। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम, ये पहला हेड था, दूसरा हेड, तीसरा हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी तो यहाँ कुछ नहीं है बट अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो मुझे बताओ यहाँ पर अदर सोर्स इनकम कुछ है क्या, कुछ अदर सोर्स इनकम है सर, यस कुछ अदर सोर्स इनकम है, अदर सोर्स में आपको क्या मिलेगा, अदर सोर्स में आपको मिलेगा बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, अदर सोर्स में आपको बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 30,000 का, ये आपका टैक्सेबल हो जाता है, और आपको मिलेगा डिविडेंड, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ मैं आपको, डिविडेंड भी है आपका यहाँ पर, डिविडेंड भी आपका टैक्सेबल है, ये हो जाएगा 40,000, ये मैं नेक्स्ट पेज का कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ आप लोग समझ लेना, ओके तो डिविडेंड हो गया आपका 40,000। तो आपका जो भी इनकम था जिसको भी आपको लेना था जिसको नहीं लेना था आपने हटा दिया एग्जेम्प्ट कर दिया, तो नाउ जस्ट एड इट, तो इसको क्या कहेंगे जानते हो,
इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, कितना आ रहा है कोई बताओगे मौसमी? 570,000 5,70,000 ओके मौसमी 570,000 तय करे है सर ओके तो ग्रॉस टोटल इनकम आया आपका 5,70,000 प्रीति जीटीआई करने के बाद क्या करना चाहिए बोलो तो After the gross total income, मैंने starting of the class में ही आपको समझा रहा था. Deduction and exemptions बताने के लिए पे. Very good. GTI के बाद आपको deductions देना चाहिए. ठीक है? Deductions जो होता है under chapter 80C से 80. Under chapter 6A, under chapter 6A, 80C से लेके 80U तक का है. But क्या आपके इस particular sense में कोई डिडक्शंस के बारे में कुछ है क्या? नहीं, कुछ यहाँ पर नहीं है बिकॉज हम लोग यहाँ पर करंटली 80C से 80U का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ के इसको स्किप किया. तो इन योर करंट सम्स देयर इज नो डिडक्शंस बट यू हैव टू शो इन योर फॉर्मेट. ओके, एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अगर आप लोग के घर में है तो एक बार उसको देखो, एक या फिर ऑनलाइन में जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का फॉर्मेट आप एक बार चेक करो, आपको ऐसा ही दिखेगा एवरीथिंग. एवरीथिंग आपको ऐसा ही दिखेगा. मैं आपको कभी दिखाता हूँ, हो सके तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए इसको कलेक्ट करके रखूँगा कि रियल लाइफ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एग्जैक्टली यही करना होता है, एग्जैक्टली यही करना होता है. चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शो करूँगा. तो आपका डिडक्शन अगर कुछ होता तो आप यहाँ शो करते, बट करेंटली देर इज नो डिडक्शन अमाउंट इज देयर, नो डिडक्शन अमाउंट इज देयर. सो आपका जो इनकम आएगा तो क्या कहेंगे? नेट इनकम, इसको कहेंगे नेट इनकम. तो आपका नेट इनकम क्या हो जाएगा? 5,70,000. आपका नेट इनकम हो जाएगा 5,70,000. तो ये होगा आपका 5,70,000 नेट इनकम. तो आपका नेट इनकम का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया, तो क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या सबको नेट इनकम तक का कैलकुलेशन क्लियर है? बिकॉज इसके आगे हमें एग्रीकल्चर इनकम का जो पार्ट था ना, दैट इज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे सॉल्व करना है. बट उसके लिए आपको नेट इनकम तक क्लियर होना बहुत जरूरी है. क्लियर ना? ओके. आपका चुप्पी को मैं कभी कभी हाँ मान लेता. तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? इसके बाद जस्ट आप लिखो, आपको कुछ पॉइंट देखना चाहिए. जैसे कि जो कंडीशंस था आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर कंडीशंस में पहला आपको क्या देखना चाहिए? फर्स्ट कंडीशंस आपको देखना चाहिए था क्या वो एसएससी इंडिविजुअल है. तो आपने देख लिया कि हाँ एसएससी इंडिविजुअल है. तो क्योंकि एसएससी इंडिविजुअल है तो आपके मन में क्या क्या सवाल आना चाहिए कि एसएससी इंडिविजुअल है कि नहीं? तो एसएससी इंडिविजुअल है. एसएससी इंडिविजुअल है ना? कैसे पता चलेगा एसएससी इंडिविजुअल है कि नहीं? सर एकदम स्टार्टिंग में बोला ना मिस्टर एक्स, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में क्या बोला मिस्टर एक्स? इफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो मिस्टर एक्स कौन होगा? इंडिविजुअली ना होगा. हेलो, बात समझ पा रहे हो ना? हाँ सर. नेट इनकम आपने अभी कैलकुलेट किया 5,70,000 यहीं से. एंड आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए एग्रीकल्चरल इनकम जो आपको क्वेश्चंस पे गिवन था, है ना? क्वेश्चंस पे कितना गिवन है एग्रीकल्चरल इनकम? 1,70,000. रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तभी कर लेना चाहिए जब आपका बेसिक, जब आपका एग्जेम्पशन मतलब आपका इनकम जब बेसिक लिमिट क्रॉस करता है. तो क्या आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस किया? क्वेश्चन है, क्या आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस किया? हाँ सर. यस, इनकम बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस किया ना.
इनकम बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस किया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपका इनकम क्रॉस किया। एंड दूसरा चीज एंड सेकेंड थिंग, एग्री इनकम जो है आपका, एग्री इनकम ग्रेटर देन 5000 हुआ। दोनों कंडीशंस आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करने के लिए मजबूर करता है सर। आपका इनकम भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है और आपका एग्री इनकम भी 5000 को क्रॉस करता है, तो आप ऑटोमेटिकली रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नॉर्मली एग्री इनकम एग्जेम्प्टेड होता है, बट ये जब ऐसा सिचुएशंस हो जाए तब उसमें एग्जेम्प्शंस वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, और तब हमें क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हेडिंग कर दो, स्टेटमेंट ऑफ, हम लोग रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बढ़ो। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, स्टेप वन एड एग्री इनकम विथ नेट इनकम, एड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। मजा का बात देखो, आपके पास एग्री इनकम भी है, आपको ये भी पता, आपको ये भी पता, तो कर दो ना। क्या आपको नहीं पता, आपको नहीं पता एग्री इनकम और नेट इनकम, तो ऐड करो ना प्लीज। आपका एग्री इनकम कितना है, आपका एग्री इनकम है 170,000 का, 1,70,000 का एग्री इनकम है आपका। वेरी गुड शिवम, लास्ट 5,70,000। तो आपको मैं क्या करने बोला, जस्ट ऐड करो दोनों को, 5,70,000 प्लस 1,70,000 अमाउंट होता है 7,40,000, यही बोला ना शिवम? यस सर। 7,40,000, 5,70,000 प्लस 1,70,000, तो आपका हो जाता है 7,40,000। और इस 7,40,000 का आपको टैक्स लायबिलिटी करना है नेक्स्ट पॉइंट पे, तो आप लोग चालू हो जाओ सर स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करना चाहिए आपको, आपका स्टेप टू होना चाहिए टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टेप वन। तो ये जो 7,40,000 आपने यहाँ कैलकुलेट किया, इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, हो जाएगा ना। चलो फटाफट करके बताओ, आप वेटिंग 1 मिनट टाइम है आप सबके पास, सबके पास 1 मिनट टाइम है, प्लीज करके मुझे अभी बताओ 7,40,000 का टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, बताओ। ज्योति, ऋषभ, रोशनी, जो भी है क्लास में, प्रीति, सबको बता रहा हूँ कि मुझे प्लीज फटाफट बताओ 7,40,000 का टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। I am waiting for your answer, sir. $60,500. रोशनी, प्रीति, ओके, 6500। यस सर, सेम सेम ज्योति का आंसर है ये 6500। थैंक यू, चलो देखते हैं, यही है, ओके मैं भी देख लेता हूं। यस सर, यही है, ठीक है। 2.5 लाख टू 5 लाख कितना होना चाहिए, एट द रेट ऑफ 5%, ये अमाउंट हो जाएगा 12,500, है ना।
फिर होगा आपका रिटर्न 5,00,000 to 7.4. ओके, तो 5,00,000 से 7.4 कितना होता है? 7,40,000 - 5,00,000, दैट इज 2,40,000 पे आ गया होगा 20% एट द रेट ऑफ 20%, 2,40,000 पे 20% हो जाता है आपका 48,000. So 12,548,000. देखो सबको एकदम सही बोला, सबका जवाब एकदम सही है, एकदम आप लोग चार्टर्ड अकाउंट के हिसाब से रेडी होते जा रहे हो, कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से रेडी होते जा रहे हो, बहुत बढ़िया. ऐसा सी ए सी ए सी ए में बन जाओगे बहुत जल्दी, मुझे बहुत आशा है. सर आप लोगों ने देखा मैंने स्टेटस दिया सी ए इंटर के लिए, सी एम ए इंटर के लिए भी कितना अच्छा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे. आई एम नॉट जोकिंग सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे प्राइवेट जॉब तो इस मतलब देर भर भर के है सर, रोज ही कुछ ना कुछ प्राइवेट कंपनीज का मार्केट में वैकेंसी हो ही रहा है. लेकिन आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मतलब एज ए ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, मतलब ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, चार्टर्ड को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी सेक्रेटरीज को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है. तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा सर, अच्छे से पढ़ो जैसे पढ़ाई कर रहे हो और मेहनत बढ़ाओ, बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा सर. जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है ही, एज ए टैक्स कंसल्टेंट भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, फ्यूचर बहुत ब्राइट है सबका. तो चलो सर 60,500 हो गया आपका. एक ही चीज़ करते करते बोर मत होना, क्योंकि ये सी एस सी एम ए सी एस बनने का ना एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें मतलब आपका पेशेंस चेक होता है. जो पेशेंस लेस हो जाएगा ना उसको बहुत मुश्किल है, पेशेंस लेस नहीं होना चाहिए, बहुत बार 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 एक ही टाइप का चीज़ करना पड़ता है. लेकिन सर यही तो है पेशेंस, ठीक है. क्रिकेट में जो क्रिकेटर होता है वो एक ही चीज़ बार बार करते हैं फिर भी वो बोर नहीं होते. जो राजनीति में भाषण देते हैं वो रोज़ एक ही तरह का भाषण करते हैं, देखना मोदी जी का भाषण एक ही बार हमेशा आते हैं और एक ही बात कहते हैं, भाइयों और बहनों हाँ हमारा पार्टी अच्छा कर रहा है. हाँ ममता दीदी का भाषण सुनना, हमारा शॉप कर दिए थी, रोज एक ही बात करता है, बोर नहीं होते. आप लोग भी रोज एक ही काम करो पर बोर मत होना, ठीक है, यही प्रॉब्लम हो जाते हैं जब भी हो. तो 60,500 हो गया आपका स्टेप टू का टैक्स लाइबिलिटी, तो ये हो गया आपका टैक्स लाइबिलिटी. ओके, तो स्टेप टू का टैक्स लाइबिलिटी हो गया 60,500. अच्छा इसमें क्या हम लोग सेल्स जोड़ देना चाहिए? सर अभी मत जोड़ो मेरे हिसाब से, अगर जोड़ के करोगे तो दिक्कत नहीं, बाद में भी वो आंसर सेम आएगा. लेकिन मैं यहाँ पर आपको सेल्स जोड़ने के लिए मना करूँगा, जो 4% का सेल्स है डोंट ऐड इट नाउ, बाद में करना, स्टेप थ्री करो पहले. मैं बीच में बक रहा हूँ, थोड़ा गप्पे मार रहा हूँ, पर आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए. स्टेप फोर बताओ सी एस सी एस लोग, स्टेप फोर क्या होना चाहिए? स्टेप फोर क्या होना चाहिए? टैक्स लाइबिलिटी फॉर स्टेप थ्री 4,20,000 और नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्री इनकम. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्री इनकम, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्री इनकम ये था. तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 और 1,70,000, 2,50,000 प्लस 1,70,000, अब तो इजी हो जाना चाहिए. टोटल कितना बोला शिवम? 4,20,000. अब स्टेप फाइव में आप क्या करोगे? बड़ा आसान है. मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? मैंने गलत सर इसका वो तो करो कैलकुलेशन तो करो 4,20,000 का. नहीं नहीं मैं स्टेप टू के बाद यहाँ पर मैंने गलत से स्टेप फोर लिख दिया, ये स्टेप थ्री होगा, ये स्टेप फोर होगा.
अब मैं यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी करूँगा। अब तो आपको पता है सबको 2.50 लाख तक का एट द रेट ऑफ मील है, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख। अच्छा, हमें तो 5 लाख तक जाना ही नहीं है बिकॉज ये तो 4 लाख 20 तक ही है। तो 4 लाख 20 थाउजेंड माइनस 2 लाख 50 थाउजेंड दैट इज 1 लाख 70 थाउजेंड। ओके, दैट इज 1 लाख 70 थाउजेंड। तो 4 लाख 20 4.2, ओके 4.2 लाख। तो इसमें आपका रेट है आपका कितना, 5%। तो 8,500, 1,70,000 का डिफरेंस है। मैं डिफरेंस नीचे लिखा, ठीक है, इसका 5% हो जाता है 8,500। शिवम कह रहा है होगा, सही बोल रहा होगा, 1,70,000 इंटू 5% 8,500, ये हो जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी, है ना, ये हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी, स्टेप 3 का टैक्स लायबिलिटी। आप लोग देख पा रहे हो ना किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। स्टेप 5 में हमें क्या करना चाहिए, स्टेप 2 का आपका जो आंसर है, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 करो, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 करो। स्टेप 2 में आपका आंसर आया था 60,500 का और यहाँ पर आपका आंसर आया है 8,500 का। आप लोग मुझे बताओ कितना, 60,500 माइनस 8,500 दैट इज 52,000। दिस इज द आंसर 52,000। ये 52,000 पे और क्या ऐड करना चाहिए, सेस ऐड कर देना प्लीज, सेस एडुकेशन सेस ऐड हो जाना चाहिए, एडुकेशन एंड हेल्थ सेस। ठीक है, सिर्फ सेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो 52,000 आपका आया है इस पे आप ऐड करो एडुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%, 2080 कुल मिला के हो जाता है 54,080, सही ना, 54,080। तो ये हो जाएगा टोटल ये एजुकेशन एंड हेल्थ सेस क्यों लगता है, ये है बेसिकली गवर्नमेंट हमारा जो भी टैक्स लायबिलिटी होता है, जब भी हम लोग सरकार को टैक्स भरते हैं हर किसी से फ्लैट 4% देते हैं, लेकिन यहाँ सर मेरा जो टैक्स लायबिलिटी होगा, मेरा जो क्रॉस टैक्स लायबिलिटी होगा उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसको टोटल या नेट भी बोल सकते हो, ग्रॉस टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस लगा के ये लेता ही एजुकेशन एंड हेल्थ, ताकि इंडिया में एजुकेशनल लेवल में डेवलपमेंट करने के लिए अलग से लिया जाता है, हेल्थ सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए अलग से लिया जाता है। ठीक है, ये है रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। बताओ सर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन समझ में आया? क्या आप सबको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्लियर है? यस सर। ओके, एक एग्जांपल लिखो, तो एग्जांपल लिखो, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स दी following info, income under the head house property 2 lakh, income under the head business and profession 2 lakh,
इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, मैं इसको सीजी लिखता हूँ, सीजी ना, सीजी मतलब कैपिटल गेन, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। इसके नीचे इसमें एक अंडरलाइन करके, क्योंकि इसमें बहुत सारा बाइफर्केशंस हो सकता है, कैपिटल गेन में ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, बिकॉज सबका अलग अलग रेट है। आपको रेट में बताया था कि शॉर्ट टर्म का रेट अलग होता है, लॉन्ग टर्म का रेट अलग होता है। ST 111 नॉर्मल स्लैब में आते हैं, लॉन्ग टर्म 111 में एग्जेम्प्टेड होता है। अगर किसी ने भूल गया है तो आप लोग एक बार पुराना वीडियोस देखिएगा। शॉर्ट टर्म LTCG एंड ST 111A, ये भी एक सेक्शन है। ये जो सेक्शंस होते हैं, ये सेक्शंस नॉर्मल स्लैब के हिसाब से काउंट होते हैं सर। ये आप लोग एक बार पुराना इंट्रो वीडियोस देखो या फिर इंट्रोडक्टरी जो स्टडी मैट है उसमें आपको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 1 लाख का, हर एक चीज़ आपको याद रखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 2 लाख का। शॉर्ट टर्म 111A है आपका 1 लाख का, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ का डेटा। अच्छा, और क्या हेड हो सकता है सर? 5 हेड्स होते हैं, लेकिन यहाँ सैलरी मैंने जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो लोग जॉब करते हैं उनका इतना सारा इनकम, जोर से जोर हाउस प्रॉपर्टी होता है, जॉब के साथ बिजनेस कैपिटल गेन, ये बहुत कम दिखाई देता है। साइंटिफिक है, हाउस प्रॉपर्टी BP CG एक साथ, IFOS भी एक साथ आ सकता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके, इसको नॉर्मली IFOS के नाम से जाना जाता है, ठीक है, IFOS। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आप हेडिंग कर दो, क्योंकि ये भी टाइप ऑफ अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। ये जब चैप्टर करेंगे ना, ये सब चैप्टर में डिटेल्स डिस्कशंस होगा सर, पर फिलहाल मैं आपको क्या दे रहा हूँ सर, ये डेमो भी हो जाएगा आपके लिए, और एक कंप्लीट टैक्स कस्टम्स का भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट 10,000, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट 10,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अदर सोर्स, हेड के भी नीचे चल रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन यूनिट्स ऑफ UTI, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उसका ना मतलब यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड, दिस इज ऑल्सो 10,000। एक हिंट दे देता हूँ सर इस पॉइंट पे, नहीं तो बोलोगे सर पता नहीं था, बिकॉज अदर सोर्स आपने अभी तक कराया नहीं। तो हिंट क्या है, हिंट इस पे लिख लो, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। हिंट के साथ नॉलेज भी मिल गया यहाँ पर। क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स में क्वेश्चन समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर, बाकी तो बस ऐसे ही। एग्री इनकम अलग से दे दिया, व्हेन एग्री इनकम इज 2,20,000, एग्री इनकम है 2,20,000 का, एग्री इनकम है 2,20,000। फिर इसको अभी नहीं करना है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन छुट्टी मैंने नहीं दिया, कुछ और करना है। नॉर्मली होमवर्क देने का मतलब छुट्टी होता है, बट नाउ दिस इज नॉट अ छुट्टी, अभी भी कुछ बातें करना आपसे मेरा बाकी है। क्या आप लोगों ने सबने क्वेश्चन लिख लिया या कुछ बाकी है? इसका बाकी है, लिख लो फटाफट, लिख लीजिएगा फटाफट होमवर्क जो मैंने दिया, और नीड टू सॉल्व नाउ, बाद में सॉल्व कीजिएगा, फिलहाल ये होमवर्क है। ट्राई करना जिस तरह से वो पहले वाला सम्स किया, थोड़ा हटके है, ट्राई करना।
बट सीरियसली सम्स थोड़ा हटके है। यहाँ पर सेट ऑफ का भी कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट, अनदर हिंट है कि एंड पे जाके सेट ऑफ होगा, ठीक है। जितना होगा ट्राई करना, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया? क्या सबने लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ओके, चलो म्यूट करो। चलो नेक्स्ट, बातें बहुत कुछ करना बाकी है। ओके, रूल हेडिंग करो सर। एग्रीकल्चर में एक रूल यूज होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, कभी ना भूलने लगे जैसा रूल है। ऐसा रूल है तो रेड में लिखना चाहिए। रूल, रूल को लिखो सर। ये रूल क्या है आप भी जान लो, एग्रीकल्चर का रूल। रूल में आप एक काम करो, तीन कॉलम बना लो, तीन एरो खींच लो रूल से। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है सर। रूल है 7A, रूल है 7B एंड रूल है 8। 7A, 7B, 8। रूल A, 7A में क्या लिखा है सर? सर रबर के बारे में लिखा है। रबर का जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए क्या नियम लागू होता है? रबर, या आई थिंक यू ऑल नो रबर क्या होता है, जिससे टायर वगैरह बनता है। ये रबर का एक पेड़ होता है सर। रबर पेड़ से ही रबर बनता है, बट ये बहुत ही कॉमर्शियली है, बहुत ही कॉस्टली सिस्टम में बनाया जाता है, ठीक है। तो रबर के लिए जो एग्रीकल्चर होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रीकल्चरल इनकम कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट इज कॉफी। 7B में कॉफी में बारे में बताया जाता है, इज द रूल ऑफ कॉफी। एंड 8 में टी के बारे में कहा जाता है। 8 में टी के बारे में कहा जाता है। कॉफी के अंदर भी कुछ बाइफर्केशन है सर। कॉफी के अंदर एक है 7B सबसेक्शन 1, जिसमें कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड ओनली, ग्रोन एंड क्योर्ड के बारे में कहा जाता है, ठीक है। अच्छा सर, कहना क्या चाहते हो आप? इतना सारा बातें कर रहे हो सर, इसमें आप बस इतना लिखो कि 65% इसमें एग्री इनकम माना जाता है एंड 35% ऑब्वियसली नॉन एग्री, मतलब ये डायरेक्ट टैक्सेबल होगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा। नॉन एग्री इनकम मतलब यहाँ पर ये बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगा। 65% एग्री इनकम मतलब इसमें जो भी इसका खेती करता है इसको 65% का एग्री इनकम का बेनिफिट मिलेगा, या तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। और अगर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं होता है तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा इनकम, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरा बात। ओके, आगे और समझ में आ जाएगा, बिकॉज इस पॉइंट में काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर, तो 7B में आप लिखो कॉफ़ी। कॉफ़ी में मैंने आपको बताया 7B1, इसमें मैंने बताया आपको कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर, इसमें आपने लिख, आप लिख लो 75% एग्री एंड 25% नॉन एग्री। ध्यान में रखिएगा, बहुत वाइटल पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी चीज पार्शियल इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट था सर, मैंने कभी आपको नॉन इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ? अभी नहीं। ओके, नेक्स्ट, आप इस नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूँ, आप वहीं पर लिखो। कॉपी में लिखो 7B सबसेक्शन 2। ये सेक्शन जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है सर। कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड, कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड। जब कॉफ़ी ग्रोन भी किया जाता है
क्रियोड भी किया जाता है एंड रोस्टेड भी किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, इसमें स्पेशल प्रोसेसिंग लगता है, ठीक है। कॉफ़ी के अंदर कुछ मिलाया भी जाता है, मैं आपको आगे बताता हूँ, पर इसमें आप ये पॉइंट जब भी आपके सामने दिखे आप क्वेश्चंस को देख लेना, तो 60% हो जाएगा। एग्री, समझ पा रहे हो सर कि कैसे चार्टर्ड बनते हैं, कैसे कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज का इतना बोलबाला होता है, बिकॉज इसको इतना कुछ पता जो होता है। दुनिया में दाम किसका, जिसके पास नॉलेज हो, नॉलेज नहीं तो कोई बात नहीं, नॉलेज बढ़ो तो क्या बताते रहते हो। नॉन एग्री 60% एग्री, 40% नॉन एग्री, ये हो गया कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड के केस में। सर चाय के बारे में बताया नहीं, जो हमारा नेशनल ड्रिंक है, सबसे ज्यादा हम लोग कंजम्पशन करते हैं, स्पेशली मी बहुत ज्यादा टी लेता हूँ सर, बहुत ज्यादा नहीं फिर भी दिन में अगर कॉफ़ी से ज़्यादा तो लेता हूँ, 2-3 बार हो जाता है सर। एक ही चीज़ थोड़ा नशा टाइप में है मेरा, नशा टाइप में है मतलब बिना चाय का मैं मर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे अभी मेरा क्लास ख़त्म होगा क्योंकि मैं घर में हूँ तो माँ को बताऊँगा कि माँ मुझे चाय दे दो, ये खुशी मुझे कोलकाता में नहीं मिलता है आपको पता है। तो 60% यहाँ हो जाएगा एग्री इनकम, एंड 40% यहाँ हो जाएगा नॉन एग्री इनकम। ओके 60% एग्री, 40% नॉन एग्री। तो क्या आप लोगों ने 7A रूल, 7B एंड रूल 7 रूल 8 कुछ समझ में आया? पहले रूल समझ लो कि कितना परसेंटेज एग्री है और कितना परसेंटेज नॉन एग्री है। अगर आप ये बातें समझोगे तो आगे कुछ खेल भी समझ पाओगे। दिख लिया सर आप लोगों ने? यस सर। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो यह रूल, ये रूल जो मैंने आपको अभी लिखाया, जस्ट वेट करो, इसका बहुत एप्लीकेशन आने वाला है, लेकिन इससे पहले आप आगे और भी कुछ बातें हैं वो थोड़ा कर लो, ठीक है। चलो अभी हम लोग थोड़ा गन्ना किसान बनेंगे। क्या बनेंगे? गन्ना किसान। ये गन्ना किसान कौन है रे बाबा? अरे भाई एक मूवी देखा था डॉली की डोली बोल के, उसमें वो राजकुमार राव अपने आप को गन्ना किसान बताते हैं, ऐसा टोन से बताते हैं ना, हरियाणा का किसान है, हाँ गन्ना किसान हूँ, लाखों कमाता हूँ, ऐसा कुछ एक डायलॉग था वहाँ पर अपना शादी का ये बताने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको गन्ना का खेत दिखा रहा हूँ, गन्ना का खेत। अरे क्या है सर? कुछ नहीं रे बाबा, गन्ना का खेत, ग्रीन कलर का गन्ना का खेत। सर आप ना मेरी ड्राइंग से ना ज़्यादा मत हंसीएगा, ठीक है, ज़्यादा मत हंसीएगा, थोड़ा कम कम करके हंस लो, लेकिन ये गन्ना खेत, ये गन्ना के खेत में क्या होता है? गन्ने के खेत में टमाटर की शोर जो भी, तो ये शुगर केन का बातें करना है सर अभी। शुगर केन, ये शुगर केन क्या करेगा? शुगर केन के बारे में थोड़ा बातें कर लेना चाहिए। ये जैसे रूल मैंने आपको सिखाया, शुगर केन का कोई रूल नहीं है, बट तो शुगर केन का कोई स्पेशल थिंग मेंटेन किया जाता है जो आप थोड़ा देख लो। तो शुगर केन में कुछ मैटर मेंटेन किया जाता है जो आपको थोड़ा पता हो जाना। तो शुगर केन में क्या होता है, आपको जैसे शुगर केन बनाना आता है आप बना लो, हाँ मैं बस ऐसे ही कुछ भी कर दिया। बस कुछ एग्जांपल फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ओनली अंडरस्टैंडिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लो फटाफट से। अंडरस्टैंडिंग है सर कि शुगर केन में क्या हिसाब होता है इनकम टैक्स में। सपोज आपको पता है सीओसी, इसको फुल फॉर्म में क्या बताएंगे सर? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये सपोज आपको पता है 50,000 का है, ओके
एग्री इनकम जो है, सपोज मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, चलो यहाँ पर आप लोग ना यहाँ पर लिखो कि शुगर केन का, ये जो शुगर केन हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? इसका फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख का। इसका फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख का। तो अगर इस शुगर केन का फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो जस्ट टेल मी कि ये शुगर केन का फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसका 50,000 है, तो एग्री इनकम क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस से ही हो जाएगा सर, 3 लाख माइनस 50,000 है ना। फेयर मार्केट वैल्यू अगर 3 लाख का है, कल्टीवेट करने में अगर 50,000 लगा है, तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम मेरा 2,50,000 है, यस और नो? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता। तो ये शुगर केन के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ, ये रूल 7 का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ सर? मैं रूल 7 का बात कर रहा हूँ। दिस इज रूल 7। ये रूल 7 में क्या होता है? रूल 7 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। रूल 7 में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे आपको पता है, थोड़ा ट्रेडिंग पीएल मिला के है रे बाबा, ठीक है। आज के डेट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, यू ऑल अंडरस्टैंड। टू ओपनिंग स्टॉक, मेरे साथ साथ करते रहो, समझ में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख का है, टू परचेस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना। चलो ऐड नहीं करना है, अलग से 2 लाख दिखा दो ना। टू ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, टू परचेस 2 लाख। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू इसको ना एक ही जगह के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई। तो टू परचेस 2 लाख, टू सैलरी, सैलरी भी एक्सपेंस है मेरा, इधर ही देना चाहिए, ये भी 2 लाख का है। टू सैलरी 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कर दो 3 लाख का। और इधर बाई सेल्स बता दो 14 लाख का। अभी मुझे आप लोग बताओगे कि अगर मेरा सेल वैल्यू 14 लाख है और इधर मेरा इतना सारा खर्चा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 लाख। नेट प्रॉफिट 4 लाख, मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पर 4 लाख आपको दिखाया, ये तो सिंपल है सर। सर क्या कर रहे हो आप? सर ये क्या है? सर देखो, जस्ट थोड़ा देखो, ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सा सिस्टम है। ये मानो कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है। अरे वो शुगर किन का फैक्ट्री है बाबा, ये आपका फैक्ट्री है। तो ये जो 4 लाख है, ये आपका फैक्ट्री का क्या हो जाएगा? ये आपका फैक्ट्री का बिजनेस इनकम हो जाएगा, ओके। ये आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा खेल था, ये मैं आपको एक्चुअली शुगर केन फैक्ट्री का डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको बस एक सिंपल बता रहा हूँ कि आपके फैक्ट्री में पूरा का पूरा खेल आपने देख लिया। अगर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इक्वल्स टू 10 लाख हैं, अगर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन 10 लाख हैं और एग्री इनकम सपोज आपका कितना मानना चाहिए? तो ठीक है, छोड़ो, हो गया ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये छोड़ दो। आपका कंसेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आगे का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे का जरूरत
मैं और एक और एक और एक तो सोच रहा था, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ पर मैंने आपको रूल 7 के हिसाब से मैंने आपको क्या सिखाया बोलो तो, मैंने आपको बस इतना दिखाया कि देखो कि अगर आपका शुगर केन का बिजनेस है तो अगर आप शुगर केन का खेती करते हो तो उसमें कितना परसेंटेज, मतलब उसका डायरेक्ट कोई 60-40 या 70-25 का खेल नहीं होता। आप बात समझ पा रहे हो? शुगर केन में, शुगर केन जो है, शुगर केन इसका कोई ऐसा 60%, 40%, ठीक है, मतलब एग्री नॉन एग्री ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो इसके केस में रूल 7 होता है और रूल 7 में वो एग्री इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पता होना चाहिए और जो भी आपका टोटल होगा, जैसे कि हमने को यहाँ पर दिखाया एग्री इनकम के लिए यू नीड टू नो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, देखो आपका एग्री इनकम मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि देखो ये जस्ट आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, आपका ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख का, ठीक है, आपका ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख का। तो मैंने जस्ट आपको वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि फेयर मार्केट वैल्यू जिस दाम पे आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो वो है 3 लाख, ठीक है। जो शुगर कैन आपने यहाँ पर प्रोड्यूस किया इसका मार्केट में अगर सेल करना चाहोगे तो आपको 3 लाख में सेल करना पड़ेगा और आपका एग्री इनकम क्या हो जाएगा, 3 लाख माइनस 50,000 इक्वल्स 2,50,000। तो दिस इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। अब जैसे कि आपको पता है कि एग्री इनकम नॉर्मली क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। और अगर 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 ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा तो उसके लिए वो कंडीशंस फुलफिल होना पड़ेगा। बट सर शुगर केन का जो लोग बिजनेस करते हैं वो तो फैक्ट्री में डालते हैं, फिर वहाँ से शुगर केन को वहाँ से चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, यू ऑल नो दिस, चीनी आता है, मोलेसिस मतलब वो जिसको हम लोग गुड़ कहते हैं, गुड़ भी आता है, गन्ना का गुड़ होता है ना, हाँ, तो मोलेसिस कहते हैं उसको, तो उसका उसका अलग बिजनेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरह से ट्रेडिंग पीएल देखो, टोटल ओपनिंग स्टॉक बाय सेल्स का हिसाब देखो, नेट प्रॉफिट जो होगा उसका वो उसका बिजनेस इनकम। कुछ समझ में आया कि अगर वो गन्ना किसान है और उसका फैक्ट्री भी है तो किस तरह से शुगर केन बिजनेस के साथ प्रोडक्शन के साथ कितना उसको एग्री में दिखाना चाहिए और कैसे उसको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना चाहिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? हेलो, बताओगे या कुछ प्रॉब्लम है तो भी पूछो एक बार, इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम तो आप पूछो ना। हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? ज्योति, रोशनी, मौसमी, प्रीति, ऋषभ? नो सर। ओके, नो सर। सब ओके, ठीक है, अब सबको ये क्लियर है किस तरह से एक शुगर केन के केस में रूल 7 यूज करके एग्री इनकम एंड नॉन एग्री इनकम को अलग किया जा सकता है। वेरी गुड, तो आप लोगों ने रूल यहाँ पर देख सीख लिया सर, 7A का रूल सीख लिए, 7B सीख लिए, 8 सीख लिए, एंड एग्रीकल्चर जो परसेंटेज में नहीं आता इसलिए मैंने उसको अलग से दिखाया, वो भी आप लोगों ने देख लिया। वेरी गुड सर, फैंटास्टिक। ओके, तो चलो एक सम्स लिखो, एक सम्स लिखो तो क्वेश्चन। मिस्टर बी ग्रोस शुगर केन एंड यूजेस 40 purpose of manufacturing sugar in his factory. Normally sugar cane बनाए जाते हैं चीनी बनाने के लिए, ठीक है। कितना लोग हम लोग मतलब शुगर केन ऐसे नॉर्मली एज ए फ्रूट्स लेते हैं,
ज्यादा से जितना शुगर केन होता है वो आजकल तो सबका दांत का हालत ऐसे ही खराब होते जा रहा है। गन्ना खाने का जो मतलब टीथ का पावर है वो तो आजकल है ही नहीं, सब चीनी फैक्ट्री में ही जाता है सर। कुछ बड़ा बड़ा कंपनीज भी है, माँ लक्ष्मी शुगर बोल के, जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट थोड़ा करते हो दे नो माँ लक्ष्मी शुगर मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस is sold for rupees 10 lakhs and the cost of cultivation, of such sugar cane is rupees 5 lakh. The cost of cultivation of the balanced sugar cane, बैलेंस मतलब जो 70% बचा हुआ है ना, बैलेंस शुगर केन दैट इज 70% इज रुपीज 14 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम is rupees 22 lakh, rupees 22 lakhs. After incurring rupees 1.5 lakh in the manufacturing process, in the manufacturing process on the balanced sugar cane, on the balanced sugar cane, sugar was sold for rupees 25 lakhs. Compute these, the Vika business income and agricultural okay, ठीक है, होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, doesn't matter, ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, अगर बाई चांस नहीं होगा तो मैं तो हूँ, लेकिन हो जाना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लास में आपको बताया, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लिखो, पहले वाला लिख लिया होगा, सबका हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं मैं, ओके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, मिस्टर एक्स गिव्स ए following information for the
इनकम अंडर थ्री हेड एच पी 10 lakh नहीं सर इसको 10 lakh नहीं इसको ना 1 lakh 10 lakh नहीं 1 lakh इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन इसके नीचे अंडरलाइन करो क्योंकि कुछ साबेडिंग में कुछ जाने वाला है सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड 5 lakh expense relating coffee grown and cured कितना हो गया 1,50,000 and income under the head so ye इस हेडिंग का अंदर नहीं है बीपी खत्म हो गया अभी आधा सोर्स का है ठीक है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स 10,000 एंड एक पॉइंट है यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U जैसे कि मैंने आपको बताया डिडक्शंस का चैप्टर में 80C से लेके 80U में डिडक्शंस के बारे में बताया गया बट यहाँ पर स्पेसिफिक डिडक्शंस का चैप्टर मतलब सेक्शंस को आपको नहीं बताया डायरेक्ट सिर्फ आपको बता दिया कि 20,000 का डिडक्शंस है 80C से 80U में कुछ भी हो सकता है ये एक ओवरऑल है बट नॉर्मली ऐसा हमेशा नहीं रहता है ठीक है आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई खुद से ही करना पड़ता है बट मैंने आपको सुविधा के लिए गिवन कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरा फोकस पॉइंट कुछ और ही है ठीक है तो कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नेट टैक्स समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया हेलो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने दोनों बहुत ही अच्छा अच्छा दो वाइटल क्वेश्चन दिया क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया हाँ सर वेरी गुड आपने बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन सर ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया आप लोग घर में प्लीज ट्राई करो नेक्स्ट दिन मैं और भी कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा ये डू नॉट फॉर्म पार्ट टोटल इनकम पे आई होप कि आपको एग्रीकल्चर इनकम अंडरस्टैंड हुआ है या आपको कोई क्वेश्चंस है सवाल है तो करो सर ये पॉइंट में प्रॉब्लम था या वो पॉइंट में प्रॉब्लम था मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा बिकॉज काफ़ी डिटेल डिस्कशन था बस एक बार घर में ये जो सम्स है ये सॉल्व हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा नहीं होगा बाई चांस इस क्लास में मैं सॉल्व कर दूंगा ठीक है कोई सवाल है किसी के मन में तो कर लो रोशनी मौसमी ज्योति प्रीतम प्रीति ऋषभ ओके नो नो क्वेश्चन ओके ठीक है चलो बाय फिर ठीक है होमवर्क करना
से टाटा राखी दादा बाय बाय सर बाय राखी दादा बाय बाय सर স্যার বলছি কি কপির ক্ষেত্রে যেটা আছে না 7B1 আর 7B2 হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা মানে দুটো কিসের জন্য একটা 75% একটা 25% একটা আছে 60% একটা আছে 40% 7B2 একটাতে রোস্টেড হয়েছে একটাতে রোস্টেড হয়নি দেখ যেটাতে রোস্টেড হচ্ছে ওটাতে যেটাতে রোস্টেড হচ্ছে ওটাতে 60-40 যেটাতে রোস্টেড হচ্ছে না ঠিক আছে।